हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं अपने चाचा के घर, क्योंकि आज उनके लड़के का है जनेऊ मुंडन संस्कार। गाइस, सुबह सुबह 5 बजे उठ गई थी मैं, क्योंकि आज जस्ट 6:30 बजे के बीच में पहुंचना था वहां पर, और जल्दी जल्दी मैं तैयार हुए हैं। हेमा तो मस्त आना, मैं 6 बजे उठा, देखो चाय भी ठंडी होगी, इतनी जल्दी में हम लोग जा रहे हैं। चाय बनाई थी, पीने का टाइम नहीं लगा, ठंडी होगी, सब लोग वेट कर रहे हैं पकड़ना मोटे, और वही जाके मैं आप लोगों से दिखाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत लेट हो गया हम लोगों को। जिसका जने हुए इस साल का जने हुए वो ऐसा है, देखो तो वो उठ के बता तुम देखते कोई आ गया बाहर से, मेहमान आ गया कोई। बस चाची मम्मी तो बाहर भी खड़ी होती, मैं कहा कैमरे का इंतजार करी, हेमंत आए और मैं ब्लॉग बनाऊ, आ जाओ अंदर, सब तैयार व्यार हो रहे हैं। अरे आ जाओ, कंघी दू बाल बनाने, शक्ल भी देखी दिखा हम लोगों को, दिखा मेरे पास भी कितना सुंदर, ए ये सुंदर है एकदम हीरो। गाइस, मैं और मम्मी पिछोड़ा लाना भूल गया, ये बंदे को देखो, पापा ने क्या पैसों का बैग पकड़ा हुआ है, मनी वनी बोटे, जिंदगी में कभी इतना पैसा देखा जितना आज लेके आ रहे हो है। मजाक करी दोस्तों, कुछ नहीं, इसमें कबाड़ फंसा हुआ है कि यार सच बजेरा सोचो कि हम इतना पैसे वाले हैं। इसमें पैसे होते तो मैं ऐसे दबा के ले जा रहा होता। हेमंत मुझसे कह रहा है पहन के तो आ गई सर इतनी ज्वेलरी, अब संभाल कर चल लो, कोई छीन लेगा तब से वो डर गई मेरे को है, छीन लेगा सुबह सुबह, अभी सुबह के बज रहे हैं 7, सोचो तो भाई ऐसे लोग ही रहते हैं जो इतना पहन के घूमते हैं। हाँ मेरे ऐसे है ना नमूने, जो ऐसे घूम रहे वो भी रस्ते में देखो ऐसे खुले में, कंपल्सरी चीज है मैक, मम्मी कह रही इसके बिना तो, मम्मी कह रही मेरे को दे दे मैं संभाल लूंगा, नहीं 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 मेकअप और पैसा एक ऐसी चीज है जो किसी को नहीं मिलती मेरा। तेरी साड़ी गंदी हो रही है, गाड़ी गंदी हो रही है पीछे। चाची बाला लेते चाची, हां इधर को तो दिखाओ, यूट्यूब थोड़ा दिखना चाहिए ना, लड़के की मम्मी कैसी लग रही है ना, अरे दो लोगे मूवी, मुमू का क्या शरीर चमकना चाहिए, और एक दूसरी चाची भी पता नहीं कहाँ खोई खोई सी, आज मोटी चाची को क्या हो गया बता नहीं, आज क्या हो गया, अभी पतली लग रहे हो तो स्लिम ट्रिम लग रहे थे हीरोइन से, मैं पहन लू पहले। अब बताओ आपने क्या बोला था, चाची कह रही तुम्हारा व्लॉग मैं रोज देखती हूँ, मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, अब बताओ कौन सा व्लॉग देखती हूँ। उसके बाद चाची का जो दिमाग पे प्रेशर आया है कि चाची ने हफ्ते भर के सारे, मतलब हफ्ते भर पहले के सारे व्लॉग बता दिए, सारे वो था वो था वो था, और वो याद नहीं आया जो था, लेकिन आ गया ना फिर 15-20 मिनट बाद रात को मूवी देखते हैं और सुबह भूल जाते हैं, पता ही नहीं होता कौन सी मूवी, नाम याद नहीं रहता। नहीं मैं तो ये भी भूल जाती हूँ कि कल खाया क्या था, सही बात है ना, सबको भुलक्कड़ होना चाहिए, मैं तो हूँ भुलक्कड़, मम्मी नहीं है। चाची कोई पता होता नहीं हो रहा उसके, वो नहीं होगा वो, आप जितना मर्जी आशीर्वाद दो, वो जो अभी 5-6 साल बाद, 5-6 साल बाद दाढ़ी छीलेंगे, बाद में छीलेंगे बेटा, तू क्या सोच के आया, सिर्फ गर्दन से ऊपर ना, सिर्फ हॉस्टल जा रहा हूँ अपने, सूरज गर्दन से ऊपर अगर कुछ दिखेगा तो सिर्फ आईब्रो दिखेगा, बाकी सब उड़ जाएगा, हेयर कट वगैरह वो भी उड़ेंगी आज। तुम्हारे घर में किसी की दाढ़ी नहीं आती क्या, इस घर में दाढ़ियों का अकाल है, इसको कट कर दियो। है चाचा, चाचा की तो बहुत है यार, चाचा की है, बाकी सबका ग्रहण लगा हुआ है दाढ़ियों पे, रोहित ये सबसे मस्त, हाँ इतनी है क्यों, रोहित की भी परेशान है, इतने बार बार को पैसे दे दे के काट के लाओ काट के लाओ, यहाँ आती ही नहीं है बताओ, हाँ सही में कोई नहीं आएगी।
अगले जन्म में आएगी। ये मैं कह रही थी यहाँ से टीका लगा, पहले से ना पहले जमाने में यहाँ से टीका लगा देते यहाँ तक, और लगा भी रखा है देखो। तेरा भी लगाना था ऐसे यहाँ से लगे पीछे तक, पूरा पीछे तक। ये देख लो गाइस पहाड़ी ट्रेडिशन, सब लोग उसमें क्या पिछौड़े नथ में उसमें यहाँ से अंदर तक सबको देख लो सस्ते। हाँ जी फोटो, एक एक मिनट भैया बोले फोटो खींच ले आओ। मैं बोली उससे अपने कपड़े उतारो, नहाएगा ना अभी। सूरज भाई सारे कपड़े उतरेंगे और ये YouTube पे डलेगा। सारे बाल बॉडी के उतार ले यार, नहीं उतारेगा उतारने पड़ेगा। और ये सूरज ये क्या पहनने का, नीचे से तौलिए ऐसे भी उतारो भाई, ऐसे थोड़ी चलता है। देखो गाइस बच्चों का चश्मा छीन रही है और उसका चश्मा छीनिए और खुद जो तुम छीन के बैठे हो दिखाओ। मेरा तो कूल लग रहा है इसमें, वो भी नहीं है कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है जिंदगी में। बेकारियों वाला बड़ा मोना ही बेकार है, छोटा मुंह सही रहता है। ममता के मुंह फिट आएगा, ममता पहले टीका आ जाएगा, ममता के मुंह फिट आएगा। पर ममता तेरा टीका बड़ा जबरदस्त लग रहा है यार, कुछ भी क्या थोड़ा चिन से लगवाना था यहाँ से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। बच्चा मैं कह रही हूँ मेरी नई शादी हुई है तो अम्मा लोग आए, सब लोग कह रहे हैं नई वायर छू नई वायर, हाँ सब कह रहे नई वायर छू नई वायर, नाम नई वायर हो गया आज के बाद एक साथ नई वायर। सबसे पुरानी बारी मैं बुजुर्गों में आऊंगी फिर बुटी बारी। बुआ इधर आओ पहले, बुआ अरे बुआ तो लाइन पे लग गई, बुआ को तो ऐसे पकड़ा है सब लोग। अरे बुआ बहुत डिमांड में, बुआ सबसे डिमांड में, अब सबसे लेट बुआ ही आ रही है एक घंटे में। देखो कहाँ से कहाँ चलती लाइन तक वहाँ पहुँच गई है यहाँ से लगाते हुए। अब खाएगी बुआ डाक, आई क्यों नहीं चलती तब से, पकड़ो बुआ को पकड़ो। लेट क्यों हुए, लेट हुए जाम लग रहा है डांट सबसे है स्पीडो भाग रही है जैसे ओलंपिक में रेस। हाँ जी बुआ डिमांड में है इतनी और आज ही बहुत लेट है, लेट हो गया आज से, बहुत सबसे पहले आना चाहिए था। बुआ कहाँ ब्लॉग बन रहा है, नेहा किधर है, हेमू कहाँ है, मुझे दिखा दो गजरा दिखा दो। बुआ ये गजरा फौजी ने बनाया है अपने हाथों से है गजरा रे। हाँ पुष्पा तुझे अपना मदद कर ले, तेरे को गजरा पहना हुआ है। सबकी डिमांड आ रही है मानसी को कि आज व्लॉग क्यों नहीं बन रहा है। बाय हाय बोलते हैं, आपने तो आते ही बाय कर दी। अब ठीक है हो गया। हाँ मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आओगे गाइस, इतने इतने फैंस मिल गए मेरे को, देखो जितनी बच्चा पार्टी है सब ब्लॉगर बनना चाहते हैं, ये देखो। तो गाइस अभी बज रहे दिन के 12 और इतनी भयंकर नींद आ रही है आंखों में, देखो लाल हो गया नींद से आंखें, और ये नस वगैरह सब खोल दिया, और ये देखो ये बंदा आराम से सो रहा है, आपको सो इतना थक चुका है। फूफाजी हाँ फूफाजी को सो रहा था, अरे बाबू अभी नहीं पीसना है, फूफाजी पीसने आ गए, नहीं पीसना अभी नहीं पीसना, फूफाजी हाय बोल दो ब्लॉग में, हाय। और ये सारी फैन तो इसकी प्लेट में है दाल चावल सैलेड
देखिए इसकी प्यारी सी शक्ल। तो अभी तक जैसे खा रही थी वैसे खाना जानवरों की तरह। अभी चम्मच डालती मुंह में स्टाइल। देखो लड़कियों क्या होता है, इधर उधर भी घुमाओ क्या। देखो लड़कियों क्या होता है, जैसे कोई मिदी है तो ऐसे से वैसे लेके देते ऐसे। देयर इज अ स्पून एंड आई हैव सम वाटर। ये देखो ये यहाँ पे व्लॉग चालू है। बताओ गाइस, आज मैंने कुर्ता पहना है ना, देख लो। अरे धूप में, धूप में क्या अलग ही थोड़ी दिखेगा। देवो देवो ये रिश्ते आए दो चार। हाँ दो चार रिश्ते आए तेरे लिए। तेरे को बड़ी जल्दी हो रही है जानवरों की डॉक्टर। मेरा फोन चोरी हो गया। फिर से चोरी हो गया। कहाँ गया फोन उसका? फोन कहाँ गया भैया से पूछो। फोन कहाँ गया? तो दिखा दो बेचारे को। मेरा फोन चोरी हो गया। अब यहाँ मेरा खाता बता के कब चला गया। ये बूढ़ी सास, ये सास मिलकर काम कर रही है। ये सास में काम कर रही है और बहू बैठी है, बहू देख रही है ना। दोनों बहू है। आप तो अच्छे ब्लॉगर बनोगे अम्मा, आप तो अच्छे ब्लॉगर बनोगे। एक चैनल आप भी खोल लो। बुड्ढी सास करके 8 महीने एक खोलना है। वही तो मैं कह रही हूँ, नहीं होता तो मैं खोल के देती हूँ आपको आज। बोलना ही तो होता है इसमें बोलना ही होता है और कुछ नहीं। सुंगल बना रहे हैं। संगल सुंगल क्या बोलते हैं? सुंगल नहीं, हिंदी में। हाँ ये देवताओं को चाट रहे, वो सुंगल ही तो है ना, क्या संगल। अरे जो भी है वो जो भी है संगल सुंगल वो है ये। बता दो ना, तू बता। ये तुम बताओगे ना अपने सुबह मुंह से। आ जाओ बुआ, ब्लॉग बना इतना कहते। बोलो चलो बोलो ना। अब बोल। हाँ आप कौन है पहले खुद को तो इंट्रोड्यूस कराओ। अरे आप अपने को तो करो। देखो वो एक्सपर्ट है, उन्हें पता है क्या करना है। हाँ उन्हें पता है। आप बताओ। अब वो हो गया। ये मेरी बुआ है। हाँ जो हमेशा भागती है कैमरे से, लेकिन आज आ गई कैमरे में। आज बहुत खुशी का दिन है, मैं आज लेट आई हूँ। ये तो मैंने लिया भी, कैप्चर भी किया इसको। तो मैंने कैप्चर किया बकायदा था बुआ का। हाँ गाइस, अभी हादसा होते होते रह गया। ये मानसी जब मैं लंच कर रही थी ना, उससे पहले यही हुआ कि वो बाहर बड़े वाले पंखे लगाए हुए हैं और एकदम से दुपट्टा तक से मैंने बचा दिया। अभी जब मैं आ रही थी हेमंत को बुलाने के लिए अंदर, सब लोग डांस वगैरह कर रहे थे, वहां पर दो पंखे लगे हुए थे। एकदम से साड़ी का पल्लू गया, फट से इतनी जोर से आवाज आई तो मैंने खींच लिया। देखो अब नई साड़ी है, आज ही पहनी और क्या हाल हो गया। पीछे से वो मतलब पंखा खींच रहा था कपड़ों को, क्योंकि इतना डर गई उसके बाद। सब लोग भी देखते रहे, कह रहे पंखा बेकार है यहाँ पर, बहुत हाई स्पीड में चल रहा है, तो उसने पीछे से खींच लिया। पूरा हाथ गया, मुझे लगा ऐसे खींचा फट से, तो आवाज आई बहुत जोर से ब्लास्ट की, पता है। कोई बात नहीं, पंखा झटका लग के गिर गुरा जाती है। बिजली का कुछ भी हो सकता था, मैं पिन लगेगी ना, ऐसे पूरी चले आती उसकी तरफ को मैं। चल यार देख लो गाइस,
साड़ी तो गई, कोई बात नहीं, बट साड़ी गई कोई बात नहीं, मैं बच गई, मैं साड़ी की कोई दिक्कत नहीं है, है ना? साड़ी तो और आ जाएंगी, साड़ी आ जाएगी, मैं ही आती दोबारा, तू बची रहनी चाहिए। अच्छा दिखा, गई साड़ी, गई पंखे ने खींच ली। ओके गाइस, तो हम लोग निकल गए घर को खाना खा के। आज सुबह से मतलब 5 बजे से बैंड बज गई वहाँ पर, बुरी तरह से थक गए बहुत ज्यादा, नाच नाच के थक गए। सबसे ज्यादा ममता ने नाचा है पीछे, कम से कम मेरा तो छोड़ो, मेरे तो कोई काम नहीं है, भाई ने तो कल ऑफिस जाना है। हाँ, हेमंत की ओपे तो वहाँ मेहमान भी कह रहे हैं कि अरे हेमंत की ना आंखें ऐसे भरी भरी सी लग रही है, उसको सोने का वो हो रहा है, उसको घर भेज दो। तो अभी हम लोग घर जा रहे हैं, कल को भी वहाँ पर प्रोग्राम है, 2 दिन का होता है जनेऊ संस्कार, तो कल को भी जाना है। कल सुबह सुबह हेमंत हमको छोड़ देगा ऑफिस जाने से पहले, मम्मी और पापा रात वहीं रुक गए हैं क्योंकि आना जाना इतने बारी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहीं पर करते हैं गाइस वीडियो का एंड, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं घर को और मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय गाइस। ओके गाइस, बाय। ये व्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा कल, हाँ कल तक, प्लीज उसको देखना जरूर, इसको भी देखना, उसको भी देखना, हमारे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स देखने को मिलेंगे आपको। हाँ चलो गाइस, बाय।